आज 10 जनवरी की प्रातःकाल 5:30 बजे थाना कप्तानगंज थाना प्रभारी को सूचना मुंबई से प्राप्त हुई कि उनके यहाँ के SBI ATM से अलार्म बज रहा है। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज के थाना प्रभारी आकर के अपने थाना क्षेत्र के तीनों SBI ATM पर उन्होंने चेकिंग करी और तीनों SBI ATM में किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की घटना की संभावना उनके द्वारा नहीं पाई गई। उसके बाद प्रातःकाल 7 बजे कप्तानगंज चौराहे के पास में अंडरब्रिज के बीचे जो SBI का ATM है वहाँ का शटर गिरा हुआ था और उसमें से धुआं निकलने की सूचना पब्लिक के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब ये देखा गया कि ATM का जो कैश कैबिनेट है उसको गैस कटर से काट दिया गया है और अंदर के कैश कैबिनेट ले जाए गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो संभावित हैं उनके संबंध में जानकारी की जा रही है। इसमें शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो इसमें जिन्होंने घटना कारित की है उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।